समय हम मौजूद हैं कैथल के वार्ड नंबर 30 में, जहां पर पार्षद चुनाव चिन्ह साइकिल आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। वार्ड नंबर 30 से आरती लोट, वाइफ ऑफ चाहत लोट, यहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, जिन्होंने आज अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया रिबन काट के। और इससे पहले हवन, जो पारंपरिक जो प्रक्रिया है वह भी निभाई गई, और हवन इसलिए किया गया ताकि सुचारू रूप से और सुख शांति से यह जो चुनाव है और अच्छी जीत की कामना के लिए यह अच्छी जीत की कामना के लिए यह हवन किया गया। किन किन मुद्दों को लेकर जो आरती लोट है वो रणभूमि में आ चुकी है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या जनता की समस्या उनको नज़र आई कि उनको सामने आना पड़ा, आइए इनसे ही जान लेते हैं। आज हमने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से, और वार्ड नंबर 30 की उम्मीदवार आरती लोट और हमारी वार्ड नंबर 30 की महिला विंग की प्रधान उषा शर्मा जी, इन सभी के आशीर्वाद से हमने आज अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है। किन मुद्दों को लेकर आप सामने आ रहे हैं और चुनाव मुद्दों को तो ऐसा है जी, जैसे मान लो कि सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे वार्ड के अंदर सीवरेज की है, स्ट्रीट लाइट की है, सड़कों की है। हम सभी ऐसा ही काम करेंगे और मतलब जितनी भी हमारे वार्ड की समस्या है सभी को दूर किया जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ वोट ले लिए और घर बैठ गए। आप सभी को पता भी है और आप सभी के माध्यम से हम काम करते रहे हैं वार्ड के अंदर और आगे भी करते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम पे किस प्रकार से जनता का प्यार और ध्यान देते हैं वो सब आपके सामने है। सभी वार्डवासी खुश हैं और हमारे साथ खड़े हैं। जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को यही कहना चाहेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल का निशान का बटन दबा के हमें सफल बनाएं, वो पूरे वार्ड नंबर 30 की जीत होगी। मेरा नाम आरती है जी। मैं वार्ड नंबर 30 से हूँ, साइकिल का निशान मुझे मिला है और मुझे कीमती वोट देकर सफल बनाई। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो किन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा, प्राथमिकता किन पर रहेगी? जनता का आशीर्वाद तो है ही मेरे पास, और सब जिस लेडीज को जो भी समस्या हो तो सबकी हल होगी, सड़कें बनेंगी, सब कुछ होगा, पानी स्वस्थ सब होगा। अपने कैथल को सुरक्षित बनाए और साफ सुथरा रखें। पहले पार्षद के कार्यकाल में काम हुए या नहीं हुए वो कुछ बता दीजिए। नहीं हुआ पहले वाला तो काम नहीं हुआ, पहले तो अब होगा, अब हमको मौका दो, हम करेंगे ही काम। चेयर पर्सन हमारे डॉक्टर पवन त्रेजा जी, आदर्श त्रेजा जी, मैं आप सभी के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने डॉक्टर पवन त्रेजा जी को आशीर्वाद दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हम सब पूरे वार्डवासी एक ही बात कहें कि डॉक्टर पवन त्रेजा जी को मजबूत करें, वोट दें, सफल बनाएं, तभी हमारे नगर परिषद का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। हम आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि हमारे डॉक्टर पवन त्रेजा जी को वोट दें, सहयोग दें और आशीर्वाद दें।